पूर्णिया के कुछ पत्रकारों एवं समाज सेवियों की ओर से पूर्णिया डीएम को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आरा जिले के दो पत्रकार नवीन निश्चल एवं विजय कुमार की कुचलकर हत्या किए जाने पर दुख प्रकट करते हुए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही पत्रकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून लागू करने की मांग भी की गई है। इस दरमियान पूर्णिया डीएम ने कहा कि पूर्णिया में पत्रकारों की मांगें जायज है और वे इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे ताकि आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार निर्णय ले सके। इस संदर्भ में पत्रकार कमल आनंद एवं गंगा प्रसाद चौधरी ने कहा कि पत्रकारों की हत्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या है और मुख्यमंत्री को ऐसे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर निकट दिनों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकारों की ओर से पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। नहीं, ये गंभीर मुद्दा है और जो भी मांगे रखी गई हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एड्रेस्ड है या पत्र या मेमोरेंडम, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में इस पत्र को जरूर अग्रेसित करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर इस पे गंभीरता से विचार भी किया जाएगा, पूर्व में भी किया जाता रहा है। तो गंभीर समस्या है, ये जो मुद्दा उठाया गया है बहुत ही गंभीर है। पत्रकार सुरक्षा को लेकर के उनके द्वारा एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें कि जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने की बात की जा रही है स्पीडी ट्रायल चला करके, और उसके अलावा जो पत्रकार दिन रात काम करते हैं, जो भी जनता के बीच की आवाज़ है उसको हम तक पहुंचाने कार्य करते हैं, उनको अपना कार्य आज़ादी से कर पाएँ उसके बारे में, जो एक निर्भीक होकर के कार्य कर पाएँ उसके बारे में उन्होंने अपना डिमांड रखा है। उस पर मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग उस पर विचार करेंगे। आरा में पत्रकारों की हत्या हुई उसके लिए अभी हम लोग शोक सभा के बाद जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है जो मुख्यमंत्री को संबोधित है। नवीन निश्चल और विजय सिंह की नृशंस हत्या की गई है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत स्पीडी ट्रायल चलाकर इन पत्रकार के हत्यारों को फांसी की सज़ा मुकर्रर करे और इस देश में कई राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, महाराष्ट्र में पहले से ही है, बिहार में भी। यदि मुख्यमंत्री सचमुच पत्रकारों के हितैषी हैं तो उनको पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए और ये सिर्फ कहने के लिए चौथा स्तंभ है पत्रकार या पत्रकारिता, ऐसा नहीं मानकर वास्तव में यदि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए पत्रकारों को। लगता है पूरे बिहार में पत्रकारों के लिए आज का दिन, जब से वह हम लोग यहाँ पर आए हैं बहुत दुखी हैं और पत्रकार संपूर्ण बिहार का आज आंदोलित है और ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है। लगता है कि बिहार में विधि व्यवस्था चरमरा गया है, पत्रकार सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है और उसको टारगेट लोग किए जा रहे हैं, सब टारगेट वह पत्रकारों को बना रहा है और इसलिए हम लोग इस बात को लेकर के आज यहाँ पर एकत्रित होकर के जिलाधिकारी को जो मेमोरेंडम दिया है उसमें साफ साफ एक बात एक ही मांग किया है कि बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उस कानून लागू की जाए। पिछले दो वर्षों में दर्जन भर पत्रकार की बिहार में हत्या हुई है और सरकार पत्रकारों के सुरक्षा के सवाल पर कोई गंभीर नहीं है और जो हत्याएँ हुई है पत्रकार ने बालू माफिया के खिलाफ माफिया लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था और अपने कलम के माध्यम से अखबार में उसको देने का काम किया था। कौन ऐसे बालू माफिया हैं जो उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, कौन वैसे जनप्रतिनिधि लोग हैं, कौन सफ़ेदपोश लोग हैं, क्या सरकार उनके गिरिबान तक उसके हाथ पहुंच सकेगी? आज पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार मौन धारण किए हुए है, धृतराष्ट्र की भूमिका में है। ये आज जब पत्रकारों की हत्या हो सकती है तो आम आदमी अपने को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बंद है और मैं उन पत्रकार जिनकी हत्या हुई है उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसे समय में उनके परिवार के साथ हम लोग हिंदुस्तान तरक्की का नया नजरिया बिहार का नंबर वन अखबार प्रस्तुत करता है हास्य कवि सम्मेलन।